राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल प्रवासे हता। ते दरमियान सीएम भूपेन्द्र पटेले एम्सनी मुलाकात लीधी हती। राजकोट ना खंडेरी गाम पासे एम्स नु निर्माण थई रह्यु छे, जेने लईने मुख्यमंत्री एम्स मा एम्स ना एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथे समीक्षा बैठक करी हती, जेमा एम्स नु निर्माण कार्य झड़पथी पूर्ण थाय ते माटे मुख्यमंत्रीए जणाव्यु हतु। आ बैठक में सांसद मोहन कुंडारिया, राज्यसभा ना सांसद राम मोकरिया, जिला कलेक्टर प्रभव जोशी उपस्थित रहा था। जी, हमारे सीएम साहब आज आए थे, हमारे बल महेंद्र भाई पटेल जी, और उन्होंने रिव्यू किया। हमने उनको अपनी ओपीडी की सर्विस के बारे में बताया, फिर हमने आईपीडी में जो हमारी तैयारी चल रही है आईसीयू और बाकी वार्ड्स की, ऑपरेशन थिएटर्स, वो सारा दिखाया। उसके बाद हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने बहुत सेटिस्फेक्शन जाहिर की कि अच्छा काम हो रहा है, और साथ में बोला कि और तेज़ी से काम बढ़ाइए। जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम थी वो भी उसी मौके पर सॉल्व हो गई। हमारे कलेक्टर साहब ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और आगे भी सबने प्रॉमिस किया कि हम एम्स के लिए जो भी करना होगा वो कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी एम्स बन के तैयार हो। आज इसी प्रेजेंटेशन में हमने ओवरऑल काम को देखिए एम्स का, ओवरऑल फाइनेंशियली देखो तो हमारा 70+ खर्चा जो होना है वो हो चुका है, और फिजिकली देखो तब भी हम 73-74% कंप्लीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। सिर्फ दो तीन बिल्डिंग का काम है जो थोड़ा पीछे छूटा है, क्योंकि हमने वो प्रायोरिटाइज कर दिया था कि ये हॉस्टल बिल्डिंग पहले बनाई गई और वो बिल्डिंग पहले बनाई गई, इसकी वजह से। अदरवाइज पिछले 6 महीने में जितना काम हुआ है वो शायद पिछले 1 साल में नहीं हुआ होगा। बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा हमने आईसीयू और एमरजेंसी वार्ड, उसमें हमने बेड लेइंग शुरू कर दिया है और हमारे ओटी तैयार हो गए हैं, और आईपीडी सर्विसेज जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए हम तत्पर और शुरू करेंगे। देखो 150 बेड तो इसी महीने में शुरू कर दूंगा, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से। बेड तो मेरे पास 400 आ चुके हैं, और 150 हम लेआउट कर देंगे फंक्शनल बेड इस महीने के अंत तक, और 100 बेड हम अक्टूबर में और ऐड करके तो पूरे 250 बेड की आईपीडी हम शुरू करेंगे आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। और उसके बाद ये नहीं है कि रुक जाएंगे, जैसे जैसे हमें स्पेस मिलती जाएगी 50 बेड, 60 बेड, 30 बेड, जितनी जितनी हमें स्पेस मिलती जाएगी हम उसमें एडिशन करते जाएंगे। और भाई दिसंबर या जनवरी तक मैं समझता हूँ कि शायद हम 750 बेड पूरे ले उत्तर। हमारा बिल्कुल डॉक्टर का जो हमारा प्लानिंग है उसी के हिसाब से हम डॉक्टर्स ले रहे हैं। हमारे पास सारी मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं आज की डेट में, और वो पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, साथ में मरीज की देखभाल का काम भी कर रहे हैं। और आज की डेट में 73 डॉक्टर्स हमारे पास हैं, उनके इन एडिशन हमारे पास टोटल 60 जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट भी हैं, और तो डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। बट हमने जानबूझ के जितने हमें डॉक्टर चाहिए थे, जितनी हमारे पास स्पेस थी, जितना को हम यूटिलाइज कर सकते थे, हमने उतने ही डॉक्टर्स को रिक्रूट किया। अभी दिसंबर जनवरी में हमारा एक और रिक्रूटमेंट का दौर चलेगा, उसमें जो हमें ज़रूरत होगी हम 25-30 डॉक्टर और कोशिश करेंगे कि हमें ज्वाइन करें ताकि ओपीडी में और सहूलियत हो, और उसमें हम देखेंगे कि शायद हो सके हम सुपर स्पेशलिस्ट के लिए भी जाएंगे इस बार के रिक्रूटमेंट।